मध्य प्रदेश के दतिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेता जिला सरपंच संघ जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर ने मंगलवार को परशुराम मंदिर पर सुंदरकांड व भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दतिया से एसआरवी पर अनिल कुमार की रिपोर्ट। पूरा अपना दतिया जिले से राहुल जी हमारे जो कांग्रेस के पूरा देश के अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन पर हम अपने क्षेत्रवासियों की से जिले की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने दतिया परशुराम मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था और इस आयोजन में सभी लोग जिले से सम्मिलित हुए तो ये सुंदरकांड का पाठ हुआ। कांग्रेस नेता भी अब विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जगहों पर मंदिरों पर मत्था टेकने लगे, क्या सरकार बनाने के लिए मत्था टेकने जा रहे हैं और पदाधिकारी भी जिला स्तर पर भी ये सब कर रहे हैं? परिपाटी पर भाजपा जो परिपाटी पर चलती है उसी परिपाटी पर कांग्रेस ही चलने लगी, क्या कहना है? ऐसा तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वो भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में, चाहे वो केदारनाथ हिमालय से हो तो वहाँ से लेके द्वादश ज्योतिर्लिंग में वो भी मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो ये तो हिंदुओं का भगवान के प्रति एक आस्था होती है, तो मंदिरों में तो कोई भी हो जाति विशेष के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मंदिर में जाके भगवान के पास अपने जो है प्रणाम करना या उनसे मन्नत मांगना ये सब चीज़ को इसमें मायने नहीं रखती है, ये इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी पार्टी हो इसको तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पर ब्लेम लगाए कि आप मंदिरों से क्यों शुरुआत कर रहे हो, इसको हम लोग मायने नहीं रखते। हमारे जो सरकार बननी है इसका बिल्कुल 100% पूरी तरीके से बदलाव है और इसे आप देख रहे हैं कि सभी प्रदेशों में एक लहर सी दौड़ गई है कि बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। आपने अभी एक नारा दिया है, नारा तो जन जन तक पहुँचाया जा रहा है।